चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI CSB में खुलने वाले स्टैंड अकाउंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पे स्टैंड अकाउंट में एक बड़ी अपडेट हो चुकी है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये जो अपडेट है CSP ऑनर के लिए बैड अपडेट हो सकती है, तो यहाँ पूरा विस्तार पूर्वक वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि SBI CSP से रिलेटिव या बैंकिंग से रिलेटिव कोई भी अपडेट आती है तो मैं समय समय पर इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं और बात कर रहे थे स्टैंड अकाउंट में यहाँ पे क्या अपडेट किया गया है। हालांकि ये जो अपडेट है अभी जो है एक हफ्ते ओल्ड है, यानी कि एक हफ्ते पहले ही ये अपडेट हो चुका है, तो ये जो है बैड अपडेट है हमारे सभी CSP भाइयों के लिए। ये क्या अपडेट हुआ है सबसे पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले कुछ दिनों पहले जो है PNB से रिलेटिव एक वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि वो जो है अपने CSP ऑनर को जो है वो ऑफलाइन करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है कि PMJJY, PMSY एंड APY ऑफलाइन भी वो लोग कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे जो है हमारे अभी तक जो मिला हुआ था स्टेट बैंक के CSP ऑनर को स्टैंड अकाउंट में, कि कोई भी अगर हम स्टैंड अकाउंट ओपन करते थे तो वहाँ पे उसका केवल विड्रॉल फ्रीज होता था, ना कि जो है PMJJY और PMSY करने का ऑप्शन। यहाँ पे अपडेट यही हुआ है कि अगर कोई भी अगर अब स्टैंड अकाउंट अगर आप खोलेंगे, सपोज कोई भी स्टैंड अकाउंट हम ओपन करके और उसका PMJJY PMSY कर देते थे, लेकिन अब जो है वो बिना ऑथराइजेशन के, यानी कि बिना जो है RBO के मेकर एंड चेकर के, हम उसका जो है PMJJY यानी कि कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम उस अकाउंट में नहीं कर सकते हैं। वो अकाउंट फुल्ली फ्रीज रहेगा विड्रॉल। हाँ, वहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन जो है ये सब सारी चीज़ें जो है फ्रीज कर दी गई हैं, यानी कि उसमें विड्रॉल के साथ साथ जो है PM सोशल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट का भी जो ऑप्शन है उसको फ्रीज कर दिया गया है। यानी कि जैसे कि हम पहले अकाउंट ओपन करते ही जो है कोई भी PMJJY PMSY कर देते थे, अब बिना उसका RBO जो है मेकर चेकर किए बिना उस अकाउंट का कुछ नहीं हो सकता है। तो ये अपडेट हमारे लिए बहुत ही बैड है हमारे सभी CSP भाइयों के लिए, क्योंकि जिस तरह से हमें बल्क में जो है सोशल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट का जो है टारगेट मिलता है, तो कुछ टारगेट हमें इस सेशन से भी प्राप्त हो जाते थे कि कोई भी अकाउंट हम ओपन करते थे उसमें PMJJY PMSY एक्टिवेशन के साथ उसको ओपन कर देते थे और हमारा कुछ टारगेट इस सेशन से भी कम्प्लीट हो जाता था। लेकिन अब जो है अकाउंट ओपनिंग के बाद हम उसे कस्टमर का वेट करना पड़ेगा, या एक तरह से कहें मेकर एंड चेकर का वेट करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बैड अपडेट है हमें सभी CSP ऑनर के लिए। और जिस तरह से बैंक पंजाब नेशनल बैंक जो है अपने CSP ऑनर को ऑफलाइन करने की सुविधा प्रोवाइड कर रही है, उसी तरह यहाँ पे जो है वह स्टेट बैंक एक तरह से कहें तो यहाँ पे सारे अकाउंट को जो है जो भी स्टैंड अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया है PMJJY एंड PMSY करने के लिए। तो ये अपडेट आपको कैसी लगी, जैसी भी लगी आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि SBI CSP से रिलेटिव कोई भी छोटी से छोटी भी अपडेट आती है तो मैं समय समय पर इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।